अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर टूर्नामेंट। तो आपको जैसे कि कहा था कि हमने टूर्नामेंट्स पे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट ही खेल रहे हैं। और आज हम जहाँ पे खेलने आए हैं, ये तकरीबन लाहौर से बाहर ही है, चाइना स्की, ये कहीं शादबाग के पास करोल घाटी इधर इधर है। तकरीबन 40 टीमों का टूर्नामेंट है। पहला राउंड कल हो चुका है, उसमें 20 टीमें थी, एक टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज भी तकरीबन 20 को टीमें हैं, उसमें से एक टीम ने क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंच गया। तो इंशाल्लाह बड़े मज़े का टूर्नामेंट होने वाला है। इधर बड़े अच्छे अच्छे लड़के खेलने वाले आए हैं, और हम जो आए हैं आज किसी की साइड से खेलने आए हैं। हमार भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे बैट्समैन, ऑल ओवर इनकी तरह से हमने आज खेलना। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, दूसरों का मिक्स इलेवन आज हमारी मिक्स इलेवन है। हमारी तरफ से जो है हमार भी हैं, इनके एक दो लड़के वो हैं, बाकी हमारी साइड से जो सबूर जूनियर है, फहीम है, और सबूर है, और नकी है। हम ये चार लोग हैं, 5 साल। बड़े मज़े का टूर्नामेंट होने लगा। पहला मैच है, टॉस होना है ये भी, और तीन ओवर है, 1-1 किलोमीटर इंडोर। जो मुझे लग रहा है इसकी हाइट अच्छी है, स्कोर मेरे ख्याल से 3 ओवरों में इधर 30 करना चाहिए मिनिमम। हमारी बैटिंग भी अच्छी है, हमार भी मुझे साथ देंगे ओपनिंग प्लेयर का अच्छा। तो 3 ओवर में कम से कम 30 स्कोर हमें करना चाहिए। देखते हैं क्या बंदा टॉस होने जा रहा है। और हमारे भाई ने जीत के बॉलिंग का फैसला किया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 3 ओवरों में पहला मैच है, नॉकआउट ही मैच है, कि हमारी बॉलिंग आज पूरी है। 3 ओवरों में 20 से ऊपर ना जाएंगे, बाकी देखते हैं। आपने लोग के साथ साथ चैनल कर देना। पहला बॉल, पहला मैच, और पहला बॉल ही अंपायर का फैसला देखने का। वाइड सबूर जूनियर आए हैं, अगेन पहला बॉल और अंपायर का फैसला वाइड, 0-2। अगेन पहला बॉल और अगेन वाइड, अगेन पहला बॉल और फिर से वाइड, अगेन पहला बॉल और फिर से वाइड। सबूर कंटिन्यूसली 4-5 वाइड दे चुके हैं। अगेन पहला बॉल करने आ रहे हैं सबूर, और डॉट करने में कामयाब हो चुके हैं। इसी के साथ एक बॉल पे 5 स्कोर आ चुका है, और 5ों वाइडों का स्कोर है। एक बॉल 5 स्कोर, दूसरा बॉल, और बीट करने में कामयाब, 2 बॉल 5 स्कोर। तीसरा बॉल आए सबूर करने, और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, 2 बॉल 6 स्कोर सबूर को आ चुका है। तीसरा बॉल सबूर जूनियर, और फिर से वाइड बॉल, तीसरा बॉल और फिर से वाइड, नेक्स्ट बॉल, और इसी के साथ बॉल रुक गया नेट को लग के, स्कोर मिलेगा 1। नेक्स्ट बॉल वाइड बॉल अंपायर की जानिब से, और 1 अप का इशारा। नेक्स्ट बॉल और फिर से वाइड, सबूर अपना बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत डिसार्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बॉल और ये आउट होने हो गए हैं, ये आउट हो गए हैं जी, सनी बट जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, और पहली बॉल टच करते ही आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट बॉल फेस करेंगे असद बिल्ला, और सबूर क्या कर रहे हैं, ये सबूर आज क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल और बॉल बीट हो चुका है, आउट होने का चांस है, लेकिन फजूल में थ्रो कर दी फहीम ने। 5 बॉल 13 स्कोर, लास्ट बॉल, और लास्ट बॉल बीट करने में कामयाब, बाउंड्री 1 भी नहीं आई, 13 स्कोर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा का है, बाउंड्री 1 भी नहीं आई। फहीम आए हैं जी दूसरा ओवर करने, दूसरे ओवर का पहला बॉल बीट, 13 स्कोर के ऊपर पहला ओवर निकला है, जो कि सारा एक्स्ट्रा का स्कोर दिया गया। दूसरा बॉल फहीम सरकानी, और कैच था, कैच छोड़ दिया है नकी ने, कैच छोड़ दिया है नकी ने। तीसरा बॉल और शॉट किया है, ये आउट होने लगा था, अच्छी ट्राई थी, बहुत अच्छा थ्रो लिया, गुड बैकअप है तालिब। इसी के साथ 1 स्कोर। चौथा बॉल करने जा रहे हैं फहीम सरकानी,
और अगेन ये रन आउट का चांस था, फिर से ट्राई लिया, नहीं हुआ। पांचवा बॉल करने जा रहे हैं फहीम, फेस करेंगे असद बिला। पांचवा बॉल और गुड डॉट बॉल, बहुत प्यारा बॉल बीट किया फहीम ने। लास्ट बॉल जोर के लेंथ पे बॉल किया, इसी के साथ आउट हो सकता था फील्डर की तरफ से, थोड़ा सा कमजोरी का इशारा ने जनाब। 3-2 over 15, तीसरे ओवर के लिए पहला बॉल करने आए हैं तालिब, पहला बॉल डॉट। दूसरा बॉल डाउन बॉल करने गए, एम्पायर की तरफ से नो बॉल का इशारा और बिल्कुल नकी ने गंदी फील्ड का मुजाहरा किया जिसके अंदर आउट, अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नो बॉल है या नहीं, डाउन बॉल था, डाउन बॉल नो नहीं होता, देखना होगा क्या होगा। उन्होंने नो बॉल दे दिया है, नो बॉल दे दिया, डाउन बॉल के ऊपर नो दे दिया गया। दूसरा बॉल अगेन और यॉर्कर लेंथ पे बॉल था, आउट नहीं दिया गया। अगला बॉल, वेल बॉल बाय तालिब, उन्होंने अंपायर की तरफ से वन अप का इशारा। ये वन अप है या नहीं अमार? नेक्स्ट बॉल और बॉल रुक सकता था, बिल्कुल बॉल रुक सकता था, लेकिन कंफ्यूज हो गए फील्डर। नेक्स्ट बॉल करने जा रहे हैं तालिब, सामने असद बिल्ला, एक छक्का लगाने के बाद कामयाब। और अगला बॉल बहुत प्यारा बीट कर दिया है, लास्ट बॉल रह गया है, 7-8 स्कोर देके अभी तक ओवर कर रहे हैं। लास्ट बॉल के ऊपर बाउंड्री के बगैर ओवर करते हैं तो 25-26 का टारगेट भी आ सकता है, 23 स्कोर और टोटल हो चुका है अभी तक। 5 बॉल 23 स्कोर आ चुका है अभी तक टोटल, तीसरे ओवर के 5वें बॉल तक। लास्ट बॉल करने जा रहे हैं तालिब, खुद सामने है, फेस कर रहे हैं असद बिल्ला, अच्छे बैट्समैन है, और बॉडी पे बॉल करके तालिब ने बीट कर दिया। इसी के साथ स्कोर हो गया है 23-24 का टारगेट मिला है तालिब 11 को, बल्कि आज तालिब 11 नहीं कह सकते हम, आज इनको कहेंगे मिक्स 11, मिक्स 11 को 24 का टारगेट आया। जी हाँ मिक्स 11 यार, ये वो कराची वाला होगा, 12-13-14 स्कोर 23 में से एक्स्ट्रा, पता नहीं सबूत जूनियर को क्या हुआ। पहले ओवर में आपको बाउंड्री नहीं आई लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा का स्कोर है 13 स्कोर। सबूत जूनियर के पेपर्स हो रहे हैं, बहुत थका हुआ था वो, इस वजह से उसने बहुत एक्स्ट्रा दिया। बहरहाल 3 ओवर है, 23 करना है, इंशाल्लाह जीतेंगे पहला मैच और टूर्नामेंट का आगाज भी नहीं। जी हाँ, तो इनाम काला आए हैं, सामने हैं अमार, पहला बॉल करने गए हैं इनाम काला, प्रोफेशनल बॉलर हैं इनाम, बहुत दफ़ा इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम जमाया है, नाम बनाया है, तमूर को काफ़ी दफ़ा इन्होंने आउट किया है, सारे प्रोफेशनल एक साइड पे हैं, अब असद बलोची, इनाम, असद बिल्ला, सनी भट्ट, देखते हैं इंडोर के प्रोफेशनल्स के साथ इनका कैसा मुकाबला रहता है। एक बॉल एक स्कोर, अब अवैध थोड़ा बाहर है ना, दो बॉल दो स्कोर। तीसरा बॉल और तीसरे बॉल पे मार चुके हैं अमार, इनाम काले को छक्का। ये है अमार, उमर कुमार का छोटा भाई अमार, प्रोफेशनल बैट्समैन, ऑलराउंडर हैं। चौथा बॉल और अंपायर का फैसला देखना होगा क्या हुआ, वाइड और उधर से वन अप भी मिल चुका है। बॉल 9 स्कोर आ चुका है, चौथा बॉल, चौथे बॉल पे छक्का होता था और इसी के साथ अमार आउट हो चुके हैं, असद बिल्ला की थ्रो, अमार आउट हो चुके हैं। नए आने वाले बैट्समैन सबूर AHS स्पोर्ट्स का बैट यूज करते हुए, चार बॉल, पांचवा बॉल और पांचवें बॉल पे अच्छा हाइट था तालिब की तरफ से, लेकिन ऊपर लग के सीधा फील्डर के हाथों में, 6 स्कोर सेव हो गया। तालिब हिट कर चुके हैं अपने हिस्से का लेकिन ग्राउंड ने साथ नहीं दिया। इसी के साथ लास्ट बॉल इनाम काला,
फेस करेंगे तालिब। और यही शोएब भी शॉट अच्छा किया है, थ्रो हुआ लेकिन सेफ। नए आने वाले बॉलर अवैस बिलोची फेस करेंगे तालिब। पहला बॉल वाइड, अगेन पहला बॉल, अगेन वाइड, अगेन पहला बॉल, अगेन वाइड। और इसी के साथ ग्राउंड शॉट था लेकिन नहीं हुआ, ओवर थ्रो का एक मिलेगा। नेक्स्ट बॉल फेस करेंगे सबूर, पाँव का नौ बॉल था, अंपायर ने पाँव का नौ बॉल नहीं दिया, पाँव का नौ बॉल था। नेक्स्ट बॉल, और इसी के साथ सीधा तालिब ने किया है छक्का अवैस बलोची को, आगे से उठा के छक्का बाउंड्री लाइन पे। एक बड़ी साइड के साथ मुकाबला चल रहा है तालिब इलेवन का, तालिब इलेवन नहीं बल्कि मिक्स इलेवन का। अगला बॉल करने जा रहे हैं अवैस, और नो बॉल, ये है नो बॉल, फ्री हिट है। नेक्स्ट बॉल तालिब फेस करेंगे, और टांग पे खाया, इसी के साथ सेफ। नेक्स्ट बॉल, अगेन नो बॉल, अगेन नो बॉल। नेक्स्ट बॉल अवैस बलोची, ग्राउंड शॉट ही रहेगा, तीन स्कोर रहता है। और लास्ट बॉल है अवैस की, लास्ट बॉल, और टच कर दिया है। इसी के साथ तालिब रन आउट, जल्दबाजी कर चुके सबूर और तालिब, खड़े रहते तो आउट ना होते। लास्ट ओवर में स्कोर रह गया है दो, नए आने वाले बैट्समैन हैं नकी, और नए आने वाले बॉलर हैं बट इलेवन के बॉलर, नाम नहीं पता, देखते हैं। पहला बॉल करने जा रहे हैं, और पहला बॉल ही सेव कर दिया है राणा लेफ्टी है बॉलर, पहला बॉल डॉट करने में कामयाब, दो स्कोर चाहिए। और इसी के साथ नकी ने छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया है, डग आउट से टीम की खुशियां देख सकते हैं। एक बड़ी साइड को इन्होंने बायर किया, एक बहुत बड़ी साइड को जो कि हर जगह पहुंच जाती है, उसी साइड को इन्होंने बायर कर दिया। जी देख ले, ओपनिंग में एक चेंज आया, मुझे साथ मिला, हमने इजीली मैच विन कर लिया, और अलहमदुलिल्लाह टूर्नामेंट का पहला मैच हम जीत गए, नॉकआउट मैच था। आगे मेरे ख्याल से दो या तीन मैच हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल है। तो इसी तरह आपको मज़ेदार ब्लॉग दिखाते रहेंगे, क्रिकेट भी दिखाते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।